बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टूरिज्म टीवी। आज हमारे साथ हैं जी खालिद भाई जो है ना, हमसे कुछ सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि भाई जो है ना, आपने ट्रैवल किया है यूएसए का, और मुझे फेसबुक पे भी कुछ लोगों ने पूछा था, और मुझे यूट्यूब पे भी एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो है ना, साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस से हम कौन कौन सी कंट्री का ट्रैवल कर सकते हैं और कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा हमें मिल सकता है ईजीली। तो मैंने आपको ये बताना था कि साइप्रस में जो है ना, आप सबसे पहले नंबर पे इधर यूएसए की जो है ना कॉन्सुलेट है, मतलब मेन एम्बेसी तकरीबन साउथ साइड पे है, लेकिन इधर भी काम करती है वो, क्योंकि मैंने भी यूएसए का वीज़ा लगवाया था तो मैंने उधर से ही लगवाया था। और इसके बाद में एक इधर है जर्मनी की एम्बेसी और इटली की एम्बेसी, वो भी इधर काम करती है। तो उसके बाद में काफ़ी यूरोप की कंट्रियों के जो है ना, वही इटली की और उसकी जो है जर्मनी की एम्बेसी वही काम करती हैं। तो उधर से काफ़ी लोगों ने जो है ना वीज़े लिए हैं, ट्राई किए हैं। खालिद भाई, आप भी पूछना चाह रहे थे मुझसे कुछ? हाँ, मैं आपके मुतालिक पूछ रहा था। मैंने, आप भी तुर्की गए थे? जी, यूएसए भी गए? जी। अब जाहिर है यहाँ पे भी रहने वाले हैं, तो जी मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे यार एम्बेसी होंगी, कोई सी कंट्री जाना चाहे तो उसके क्या तरीकेकार है, जी, कोई एम्बेसी है? तो मैंने बोला मैं पूछता हूँ, एक है हमारे भाई वकास भाई, उनसे पूछता हूँ, वो जा चुके हैं। जी, तो जाहिर है वो बताएंगे जी। और इसके बाद में इधर जो है ना, तुर्की की एम्बेसी है, तुर्की का भी आप जो है ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इधर से। और तुर्की में है, अगर आपके पास इधर वर्क परमिट है या स्टूडेंट है, तुर्की में आपको हर किस्म की एम्बेसी मिलेगी उधर। आप दुनिया की हर एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो यूरोप का उधर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। और यूरोप का तो आपको पता है कि अगर आप के पास इधर की रेजिडेंसी है तो आप कर सकते हैं। हाँ, तीसरे नंबर पे कनाडा का भी आप वीज़ा इधर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अप्लाई करने पड़ेगा तुर्की का वीज़ा, क्योंकि कनाडा जो है वो आपसे लेता है फिंगरप्रिंट, तो कनाडा का भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं इधर से। अच्छा, जी, उसका भी ऑनलाइन सिस्टम है सारा, उसका वीज़ा भी ऑनलाइन होता है। तो इसके अलावा इंग्लैंड का आप वीज़ा इधर से अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा काफ़ी लोग, हमारे दोस्त भाई, वीज़ा इधर से इंग्लैंड का वीज़ा लेके किए हैं। तो वो ऑनलाइन है? वो नहीं, वो भी इधर फिंगरप्रिंट होते हैं, मैरिट होटल है। अच्छा, उधर वो आती है जो है ना उनका। अच्छा, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ऑनलाइन। अच्छा, वो आपको बता देंगे, फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ, बायोमेट्रिक वगैरह सारा कुछ उधर ही होते हैं। तो आपकी पिक्चर भी लेते हैं, आई स्कैन वगैरह भी करते हैं। तो अपनी वो एक कंपनी है, वो काम करती है इंग्लैंड एम्बेसी के लिए, लेकिन वो आपके पेपर जो है वो इस्तांबुल फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं। काम वहाँ से होता है, तुर्की से? हाँ, काम तुर्की से होता है, लेकिन आपको पासपोर्ट इधर ही मिल जाएगा आपके। हाँ जी। और उसकी वो जो कंपनी है वो फीस लेती है। तो दूसरे नंबर पे आपको ये बताना था, पहले तुर्की का वीज़ा जो है डायरेक्ट अप्लाई हो जाता था, अभी एक एजेंसी के थ्रू करना पड़ता है, और उस एजेंसी की जो है ना वो 70 यूरो फीस है। अच्छा। हाँ, अगर आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, और पर डॉक्यूमेंट वो आपसे 5 यूरो जो है ना वो चार्ज करते हैं, और तुर्की की फीस वो अलग है, वो मुझे अभी पता नहीं है एग्जैक्ट, मेरे ख्याल में 80 यूरो है। कहाँ पर है जो ये देहरादून में है? मतलब इधर आप जो है ना तकरीबन 7-8 कंट्री हैं यूरोप का। अगर आप किसी भी कंट्री से, आपको अगर स्पॉन्सर आता है ना, आपका कोई ब्लड रिलेशन या कोई आपके जानने वाला, तो वो आप इधर से कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो जो शेंजन वीज़ा आपने लेना है ना, अगर आपके पास वो आता है ना, कुछ एम्बेसियाँ जो हैं वो काम कर देती हैं, वही जो इटली वाली उधर एक बैठती है औरत बूढ़ी सी, वो काम करती है काफ़ी अरसे से, वो उधर मैं उसको देख रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल से। सही। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर आता है तो वो भी जो है ना आप उधर से वीज़ा ले सकते हैं। सही। जी, मतलब ईजी है, कोई मसला नहीं है। तो जो है ना, उम्मीद है आपको जो हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मजीद जो है ना इसके बारे में आपको और डिटेल निकाल के बताएंगे। तो ये जो मोटी मोटी हमने चीज़ें आपको बताई थी कि अगर आप नॉर्थ साइप्रस में आ जाते हैं तो आप कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। जी, तो करते हैं जी वीडियो को ख़त्म। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अगर किसी भाई ने और कोई चीज़ पूछनी हो और नॉर्थ साइप्रस के बारे में, तो वो हमें कमेंट में या फेसबुक पर ज़रूर बताए, तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।